सदर थाना अध्यक्ष संजय सिंह के घर से मिली पीले रंग की डायरी में शहर के कई बड़े जमीन ब्रोकर का नाम और लेखा जोखा देख चौंके एसयूवी के एसपी जेपी मिश्रा। पूर्णिया में आय से अधिक संपत्ति मामले में जिले में 8 ठिकानों में चल रही एसयूवी टीम की छापेमारी में पूरी तरह से एसपी दयाशंकर, सदर थाना अध्यक्ष संजय सिंह, रीडर नीरज, टेलीफोन ऑपरेटर सावन कुमार के निजी आवास और सरकारी आवास से एसयूवी टीम को अकूत संपत्ति मिलने की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। बताते चले कि 27 इनोवा गाड़ी के काफिले के एसयूवी स्पेशल यूनिट विजिलेंस कि 110 लोगों की पूरी टीम सुबह के 7 बजे पूर्णिया जिले के पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के सरकारी आवास सहित 8 ठिकानों पर पहुंची तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एसपी के घरों पर भी विजिलेंस की छापेमारी हो सकती है। ऐसा पूर्णिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। एसयूवी की टीम जब सदर थाना अध्यक्ष संजय सिंह के किराए के मकान पर पहुंची तो संजय सिंह को ये समझने में देर भी नहीं लगी कि हम विजिलेंस के घेरे में आ चुके हैं। तकरीबन 6 घंटे से अधिक देर तक एसयूवी की टीम ने सदर थाना अध्यक्ष संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एसयूवी की टीम को भारी मात्रा में कैश, गोल्ड, जमीन के कागजात और फिक्स्ड डिपॉजिट के कागजात मिले। इसी दौरान एसयूवी की टीम को गोदरेज में रखे एक पीले रंग की डायरी मिली। जब डायरी को पढ़ा गया तो एसयूवी टीम के एसपी जेपी मिश्रा की आंखें खुली रह गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उस पीले रंग की डायरी में शहर के कई बड़े जमीन ब्रोकर का नाम और उनके साथ का लेखा जोखा लिखा था। टीम ने उस डायरी को जब्त करते हुए अपने साथ ले गई। कानूनी जंग न्यूज के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट।